हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ शास्त्री क्लासेस। आज है 4 फरवरी और आज हम लोग 4 फरवरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप 2023 जीता है। ऑप्शन नंबर ए है साई संजय, बी है RC राव, सी है विक्रम सिंह एंड डी है अमन कुमार। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साई संजय। कहने का मतलब ये है कि फरवरी 2023 में MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप में साई संजय ने MRF फार्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैम्पियन का खिताब जीता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 2015 में अपनी मोटर पार्ट्स की शुरुआत की और 2018 में रोटैक्स सीनियर मैक्स UAE वाइस चैम्पियन बने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसको लाओस के लिए भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राहुल जैन, बी है प्रशांत अग्रवाल, सी है रमन त्रिपाठी एंड डी है महेश शर्मा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रशांत अग्रवाल। कहने का मतलब ये है कि प्रशांत अग्रवाल को लाओस के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पब्लिक में भारत के अगले नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में वह नामीबिया में भारत के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने किस देश को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है पाकिस्तान एंड डी है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने भारत देश को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने कहा है कि इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पर भारत को पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी भी वर्षगांठ पर सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे। ऑप्शन नंबर है 71वीं, बी है 72वीं, सी है 73वीं एंड डी है 74वीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 73वीं। कहने का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय 4 फरवरी 2023 को 73 साल पूरा करने जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति एंड डी है रक्षा मंत्री। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। कहने का मतलब ये है कि 3 फरवरी 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी। जी हाँ, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में बेंगलुरु में वैश्विक ऊर्जा की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। जी हाँ, फरवरी 2023 में बेंगलुरु में वैश्विक ऊर्जा की मेजबानी भारत देश करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर कुमार, बी है जोगिंदर शर्मा, सी है मोहम्मद शमी एंड डी है अश्विनी कुमार। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोगिंदर शर्मा। कहने का मतलब ये है कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने 3 फरवरी 2023 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 4 वनडे और 4 T20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी है पाकिस्तान एंड डी है चीन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब ये है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने
अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। आखिरी प्रश्न जो है वो स्टैटिक जीके से है। पूछा गया है कि केरल की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है तिरुवनंतपुरम, सी है पटना, एंड डी है अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम। जी हाँ, केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। फ्रेंड्स अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।